हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना मूंग दाल को भिगोए हुए इंस्टेंट मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल ले ली है। ये हमने धुली हुई मूंग दाल ली है। इसको पानी से हम 3-4 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसे छन्नी पे रखकर इसका हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको हम एक कपड़े में डालकर इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकाल देंगे। अभी एक पैन ले लिया है, उसमें हम इसको डालकर भून लेंगे। यहाँ पे हमने पैन में कोई भी घी वगैरह नहीं डाला है, हम इसको ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे दाल को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, हमारी दाल अच्छी तरह से भुन गई है। अभी इसको हम ठंडा करके इसको मिक्सी में इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप यूज़ कर लीजिए। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम एक कटोरी पे निकाल ले रहे हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून सूजी डालकर अच्छी तरह से लो फ्लेम पर इनको 2-3 मिनट भून लेंगे। जब हमारे ये बेसन और सूजी अच्छी तरह से भुन जाएंगे तब इसमें हम ये मूंग दाल का पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम हाई नहीं करेंगे क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी पक जाती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें देसी घी और ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद से घी यूज़ कर लीजिए, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अभी देखिए, हमारी दाल अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कटोरी दूध ऐड किया था। आप चाहे तो 4 कटोरी ऐड कर लीजिए दूध। अभी देखिए, हमारी हलवे का कलर कैसा हो गया है। लेकिन हम जब थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी देखिए, हमारा हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी है। आप अपनी पसंद से चीनी कम ज़्यादा रख लीजिएगा। अभी चीनी डाल दिए तो हमारा हलवा थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर से हमें इसे पकाकर गाढ़ा करना है। हम इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे, चलाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी हलवे का कलर आएगा। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर दिया है।
मूंग के दाल के हलवे में देसी घी तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ही घी यूज़ कर लिया है। अभी हमारा हलवा रेडी हो गया है, तो इसमें हम अपना ये ड्राई फ्रूट थोड़े से डाल दे रहे हैं और थोड़े से ऊपर से डालने के लिए रख दे रहे हैं। ये देखिए हमारा मूंग दाल का हलवा रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।